असिस्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट मित्तल हॉस्पिटल भिलाई। आज मैं आपसे न्यूरोपैथी के संबंधित जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। न्यूरोपैथी का मतलब होता है नसों की बीमारी। शरीर में तीन प्रकार की नस होती हैं, जिसको मोटर, सेंसरी और ऑटोनॉमिक कहा जाता है। मोटर वह नसें होती हैं जो अपनी मांसपेशियों को कंट्रोल करती हैं, सेंसरी मतलब जो सेंसेशन कंट्रोल करती है, और ऑटोनॉमिक मतलब जो टेम्परेचर, पसीना आना इत्यादि को कंट्रोल करती है। इन तीनों नसों की बीमारी होने से मांसपेशियों में कमजोरी, पैरों में झुंझुनाहट, सुन्नपन, अत्यधिक पसीना आना या पसीना नहीं आना, पैरों में घाव होना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। न्यूरोपैथी बहुत सारे कारणों से होती है। इनमें कॉमन जो कारण होते हैं वो होता है डायबिटीज, विटामिन्स की डेफिशिएंसीज होना, कोई इन्फेक्शन होना जैसे कि लेप्रसी, कुष्ठ रोग जिसे कहा जाता है कॉमनली, और बहुत से अधिक कारण होते हैं। इनको जानना बहुत जरूरी है और अर्ली ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे लक्षण अगर आपको होते हैं तो तुरंत अपने न्यूरोफिजिशियन से संपर्क करें।